नमस्कार आदाब, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू गाइज़। कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और जैसा कि पैरा मेडिकल के रिज़ल्ट के बारे में, आंसर की के बारे में काफ़ी दिनों से बातें चल रही थी, और मैंने हमेशा कहा, शुरू में भी कहा था, अगस्त के फर्स्ट वीक में आने का चांसेस है, और वैसे ही कुछ होने जा रहा है। तो इसका मतलब उमंग स्टडी जो है ना भैया, आप पहले से बता देते हैं, आप लोग थोड़ा सा ट्रस्ट करें और प्लीज़ लाइक वाइक कर दें, सब्सक्राइब भी कर दें, ठीक है। और उससे पहली बात ये बता दूँ, मैं ग्रुप बनाया हूँ हर एक जोन का, जो भी पैरा मेडिकल का, आप जिस जोन से बिलोंग करते हैं, चाहे वो चंडीगढ़ हो, चाहे वो क्या बोलते हैं जयपुर हो, चाहे मुंबई हो, चाहे अजमेर हो, जिस जोन से आप बिलोंग करते हो उस जोन का एक बार ग्रुप का लिंक बनाया है, आप वहां से ऐड हो सकते हो। अगर वहां पर नहीं मिले तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हो, ठीक है, कि हमें ग्रुप में ऐड कर लो। तो उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा ना कि अब क्या क्या होने वाला है, चलो पहले बात करते हैं क्या क्या होगा, उसके बाद फायदा बताऊंगा। पहले नोटिस के बारे में बात करते हैं, नोटिस में है क्या लिखा हुआ क्या है। देखो, ये नोटिस आया हुआ है, आपके सामने नोटिस खुला हुआ है, और ये कह रहा है कि भैया 5 तारीख से जो ना आपने जो एग्जाम दिया था उसका जो रिजल्ट आप आंसर की देख सकते हो, आपने क्या भरा था, कैसा भरा था, क्या लिखा था आप अपने पेपर में, उन सारे चीजों को आप लिख सकते हो। देखो थोड़ा सा पढ़ के सुनाता हूं, कैनेडा सीबीटी 1 व्यू क्वेश्चन पेपर, आप अपना जो भी क्वेश्चन दिए थे आप उसको देख सकते हो, एक लिंक मिला जाएगा, उस लिंक को प्रोवाइड करेगा, उसके अंदर आपको क्वेश्चन से भी होगा, आंसर से भी होगा, सही कौन सा होगा, आपने कौन सा किया, वो सारी चीजें वहां पर मेंशन होंगी। कब से होगा? तो 10 बजे से स्टार्ट हो जाएगा 5 तारीख को, और कब तक चलेगा? तो 8 तारीख तक चलेगा। कब तक? तो 11-12 बजे चलेगा, जो कि रूल होता है यार गवर्नमेंट का, 12 बजे रात तक। तो ये सारी चीजें चलेंगी। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि होगा क्या क्या, अब क्या क्या कर सकते हो इसके अंदर। आप अपने क्वेश्चंस को देख सकते हो, आप अपने रिस्पॉन्स को देख सकते हो, क्या आपने रिस्पॉन्स किया, और अगर आपको तसल्ली नहीं हो रही है गवर्नमेंट की रिस्पॉन्स से, मान लो कि आपने कोई भी आंसर टिक किया वो गलत हो गया, आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट ने गलत किया है, आरआरबी ने गलत किया है, मेरा वाला सही है, तो आप क्या करते हो, क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन करते हो, ठीक है। बिल्कुल करना चाहिए, मैं हमेशा कहता हूँ ऑब्जेक्शन करो, जिस पर भी डाउट हो ऑब्जेक्शन करो। और इस फायदा, एक और ये फायदा होने वाला है ना, जब ग्रुप आप बनाओगे तो ग्रुप में आपस में डिस्कशन करोगे, कि यार कौन सा क्वेश्चन को आप ऑब्जेक्शन कर रहे हो, तो बोलेगा यार इस वाले को कर रहे हैं, वो मैं इसको कर रहा हूं, मैं इसको कर रहा हूं, तो आपको लगे यार इसको कर देना चाहिए, चलो इतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, तो लोगों से बातचीत करके आप उसको ऑब्जेक्शन करोगे। और ऑब्जेक्शन से मैंने एक वीडियो बनाया था, उन्होंने दिखाया था कि ऑब्जेक्शन पर बातें होती है, वो लोग काम करते हैं, दो दो मार्क्स बढ़े गए, दोनों क्वेश्चन सही किया गया था, उन दोनों क्वेश्चन को जिसको इग्नोर किया था आरआरबी ने, जे की बात कर रहा हूं मैं, एक दिन मैंने वीडियो बनाकर दिखाया था आप लोगों को कि किस तरह से ऑब्जेक्शन से फायदा मिलता है। तो ऑब्जेक्शन से फायदा मिलता है, लेकिन 50 रुपए आपको खर्च करने पड़ेंगे, कोई बात नहीं, आपको इतना सारे सैलरी 80,000 नंबर कमाने वाले, 50 रुपए खर्च कर देना यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप 8 तारीख तक ही कर सकते हो ये सारे एकदम, ठीक है। और पर कैसे करने चाहिए ऑब्जेक्शन, ये आप लोग डिमांड करोगे तो मैं एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर, लेकिन बहरहाल जो है ये बड़ा नोटिस है, और मैं कह रहा हूं एक बार जरूर गौर करना अगर आपके क्वेश्चन, मतलब और क्या क्या करना चाहिए, और क्या क्या करना चाहिए, आप क्वेश्चन देखोगे, आप आंसर से मिलाओगे, आप देखो कितना आसपास है, अगर आसपास जा रहे हो तो आप ऑब्जेक्शन जरूर करना, और अगर आप सो दूर जा रहे हो, मतलब आप 40-50 भी नहीं आ रहे सही से यार, तब फिर ऑब्जेक्शन करके क्या फायदा, सारे क्वेश्चन पर ऑब्जेक्शन करने से थोड़ी ना आपको सारे मार्क्स मिलेंगे। तो इस तरह से आप बातें कर सकते हो, ठीक है, तो ये आपका फायदा है। अब बात करते हैं ग्रुप का, क्या है वो ग्रुप, थोड़ा सा मैं एक बार आपसे बातें कर लूँ उस बारे में, ताकि हाँ, तो अब ग्रुप के बारे में बात करते हैं। ग्रुप के बारे में आप देखो, फायदा क्या होगा, ग्रुप का फायदा ये होगा ना कि मान लो कि आपने कोई भी ऑब्जेक्शन किया, मैं भी आरआरबी से हूँ, मान लो सपोज मैं भी चंडीगढ़ से हूँ, आप भी चंडीगढ़ से हो, क्वेश्चन नंबर इतना, मेरा शिफ्ट आपका शिफ्ट दोनों बराबर है, ठीक है, एक ही शिफ्ट के हो, अब मैं कह रहा हूँ यार 5 नंबर क्वेश्चन में ना मुझे डाउट है, ठीक है, आप कह रहे हो यार हाँ 5 नंबर मुझे भी डाउट है यार, ऐसे कैसे हो सकता है, तो आप क्या करो ना, आपको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं यार 5 पे मुझे ही नहीं और लोगों को भी डाउट है, इसका मतलब आरआरबी गलत हो सकते हैं, तो भैया क्या करो 50 रुपये पे कर देना, और 50 कैसे करना है ये एक बार मुझे, मैं ज़रूर वीडियो बनाऊंगा अगर आप लोगों की चाहत और ख्वाहिश होगी तो आप क्या करोगे ना कि चलो इसको ऑब्जेक्शन करते हैं, तो आप उसको ऑब्जेक्ट कर देना, ठीक है, अगर हो गया तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे, और नहीं हुआ तो यार फिर, लेकिन उसके ऊपर जरूर गौर फिक्र करेगा और उसको आपको मेल भी करेगा कि मैंने देखो इस तरह से रेस किया और ये लॉजिक और दलील है, इसलिए मैं आपके क्वेश्चन को, आपके मार्क्स को नहीं मिल सकता, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको करते हैं, इसलिए ऑब्जेक्शन हमेशा करना, मैं हमेशा कहता हूँ लोगों से कि ऑब्जेक्शन जरूर क्या करो अगर आपको डाउट हो तो, क्योंकि अपने कंसेप्ट पर आपको भरोसा नहीं ना तो फिर यार आप फिर जॉब के लायक नहीं हो। मैं क्लियर कट आदमी हूँ कि अगर आपको अपने कंसेप्ट पे क्लियर नहीं है तो फिर आप जॉब के लायक भी नहीं हो, इसलिए आपको अपने लॉजिक को कंसेप्ट पे क्लियर होना चाहिए और आपको उसके ऊपर अपना प्राउड भी होने चाहिए। तो आप ग्रुप में जुड़ोगे, कैसे जुड़ोगे, तो एक नीचे नंबर लिख रहा हूँ 7543
8121 83, इस पे मैं ग्रुप बना दूंगा। इस नंबर से आप हमको व्हाट्सअप कर सकते हो, मैं वहां से आपको ऐड कर दूंगा। बस इतनी सी थी हमारी ये मुलाकात, और मिलते रहेंगे हम लोग। आप लोग आगाह करते रहें किस किस चीज़ के ऊपर आप डिमांड चाहते हैं। हम लोगों ने इंटरव्यू भी कर रहे हैं पैरामेडिकल के, कैसा जॉब रहता है, क्या है, क्या फैसिलिटी है, वगैरह वगैरह का। तो हम आपको छोड़ेंगे नहीं, आपको सारी चीज़ें जॉब दिलवा के रहेंगे। बस आप मिठाई की तैयारी कर लो, जल्दी से मिठाई भेज देना जिससे अच्छे अच्छे मार्क्स आएंगे। चलो मजाक कर रहा हूँ, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। थैंक यू, जय हिंद, लव यू एंड हैव ए नाइस डे।